नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। गंगा में मिले 100 से ज्यादा शव, भाजपा के निशाने पर यूपी सरकार। कानपुर शहर में बिठूर के परिहर घाट पर आज पड़ोसी जिले उन्नाव से 100 से ज्यादा अगजले और बिना जले शव बहकर आ गए। इस पर भाजपा ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती बेगुनाहों की लाशों से दबती जा रही है और सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन लावारिस लाशों की जांच नहीं बल्कि जेसीबी मशीनों से दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर लोग या कर्मकांड करने वाले पंडे लोगों के शव बिना अंतिम संस्कार किए गंगा में बहा देते हैं, जो कहीं फंस जाते हैं फिर एक साथ बाहर आ जाते हैं। प्रवीण तोगड़िया की बरेली डीएम को ललकार, तू नौकरी नहीं कर पाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक कार्यक्रम में बरेली के डीएम से चुनौती भरे अंदाज में कहा कि यदि भारत में हिंदू बहुमत में नहीं रहे तो तू भी डीएम नहीं रह पाएगा। जिस समय तोगड़िया यह बात कह रहे थे उस समय बरेली के जिला कलेक्टर संजय कुमार भी मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि तोगड़िया कार्यक्रम की परमिशन नहीं दिए जाने के कारण डीएम से नाराज थे। विहिप नेता ने साध्वी डॉक्टर प्राची के बयान का पक्ष लेते हुए कहा कि साध्वी प्राची के बयान पर लोग छाती पीटने लगते हैं। जो छाती पीट रहे हैं उनमें हिम्मत है तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध का कानून बनवाएं और मुसलमानों पर भी इसे लागू करवाया जाए। रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली पहली सीएनजी ट्रेन, भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हरियाणा के रेवाड़ी से रोहतक के बीच देश की पहली सीएनजी ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रिमोट बटन दबाकर रवाना किया। डीजल और सीएनजी दोनों सिस्टम से लैस यह डीएमयू ट्रेन फिलहाल रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलेगी। डीजल सीएनजी ट्रेन के लिए रेलवे ने विशेष तौर पर एक 1400 हॉर्स पावर का इंजन तैयार करवाया है। रेलवे जल्द ही ऐसी और ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। दो में भारत की विकास दर चीन जैसी होगी। पिछले साल मई में भारत में सत्ता में आई नई सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर उत्साहित विश्व बैंक का कहना है कि भारत 2016-17 में चीन की विकास दर के समान विकास दर हासिल कर लेगा। विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशिक बसु ने बताया कि हमारे आकलन के अनुसार भारत वर्ष 2016 और 2017 में चीन के विकास के समकक्ष पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन की विकास दर ऊंची बनी रहेगी लेकिन वह धीरे धीरे घटने लगेगी और वर्ष 2017 में 6.9 पर पहुँच जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।